नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर कौशल चौधरी। और दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं एक दिलचस्प तुलना, आने वाली किया सोनेट और मार्केट की पहली 4 मीटर वाली एसयूवी जिसने इस श्रेणी को जन्म दिया, यानी कि फोर्ड इको स्पोर्ट्स। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम आपको किया सोनेट की ऐसी कुछ खूबियां दिखाएंगे जो उसे इको स्पोर्ट से बेहतर गाड़ी बनाती है, मगर तुरंत उसके बाद इसी वीडियो के सेकंड हाफ में हम आपको इको स्पोर्ट्स की ऐसी कुछ खूबियां दिखाएंगे जो सोनेट में नहीं मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किया सोनेट की पहली खूबी से, जो सबको मालूम है कि उसके फीचर्स। किया के मालिक हुंडई हमेशा श्रेणी की सबसे ज़्यादा खिलौने वाली यानी कि सबसे आधुनिक और आकर्षक फीचर्स देने के लिए आज मार्केट में जाना जाता है। और सोनेट में किया उनकी हमशक्ल यानी कि वेन्यू से 1-2 कदम आगे जाने का प्रयास करने वाला है। दोस्तों, किया अपनी गाड़ी में 4-5 ऐसे उपकरण देने की कोशिश कर रहा है जो हुंडई अपनी वेन्यू में नहीं दे पाया है। दोस्तों, जिनमें से पहला है वेंटिलेटेड सीट्स। दोस्तों, 2.5 साल पहले हुंडई ने नई वरना में वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर्स 15 लाख के अंदर कीमत में दे दिया था। वेंटिलेटेड सीट्स यानी कि छोटे छोटे छेद वाली सीट्स जिनमें से हवा आती है और आपके पसीने से गीली हुई पीठ वगैरह को सुखा देती है। दोस्तों, अपनी मार्केट के लिए बिल्कुल सही फीचर्स चुना है हुंडई ने। तब से पुरानी क्रेटा एग्जीक्यूटिव, फिर किया सेल्टोस और अब नई क्रेटा में 20 लाख के नीचे यह फीचर्स मिल रहा है। लेकिन 2.5 साल बाद भी हुंडई ने यह फीचर्स वेन्यू और एलीट i20 में नहीं लाया है। दोस्तों, किया का मानना है कि वेन्यू की श्रेणी की ग्राहक इस फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, जिससे पता चलता है कि किया अपने मार्केट को अच्छे से समझता है। दोस्तों, और इसलिए वह सोनेट में सिर्फ 13 लाख रुपए में ऑन रोड मिलने वाले वेरिएंट में यह फीचर्स देना चाहता है। दोस्तों, दूसरा फीचर है 10.5 इंच का टच स्क्रीन। वेंटिलेटेड सीट्स के अलावा 2 और फीचर्स की भारी मांग किया समझ गया है। पहला है पैनोरमिक सनरूफ, जो किया चाहे कर भी सोनेट में नहीं दे सकता, क्योंकि सोनेट का मूलभूत ढांचा जो है यानी कि हुंडई वेन्यू का ढांचा पैनोरमिक सनरूफ के लिए विकसित नहीं किया गया है। और अब पैनोरमिक सनरूफ के लिए नई चेसिस का 100 करोड़ रुपए का खर्चा करना मुमकिन नहीं है। नतीजा ये कि सोनेट में साधारण सा इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, लेकिन वो तो इको स्पोर्ट्स में भी मिलता है। लेकिन सनरूफ की तरह भारतीय ग्राहक एक और ऐसे फीचर्स के बड़े दीवाने हैं, जो है बड़े से बड़ा टच स्क्रीन। इसलिए सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट में किया सेल्टोस वाला 10.5 इंच का टच स्क्रीन देने वाला है, और साथ में बोस की ऑडियो ट्यूनिंग भी, क्योंकि वेन्यू जैसा 8 इंच का टच स्क्रीन सोनेट के प्रतिस्पर्धियों में आ चुका है। रही बात मोबाइल से एसी और इंजन ऑन ऑफ करने की, तो वेन्यू की तरह सोनेट में भी यह फीचर्स मिलने वाला है, लेकिन इको स्पोर्ट्स में भी यह फीचर आज भी उपलब्ध है। दोस्तों, तीसरा फीचर है डीजल ऑटोमेटिक। वेन्यू में हुंडई ने एक और गलती कर दी कि डीजल मॉडल्स में ऑटोमेटिक का पर्याय नहीं दिया। आज भी वेन्यू के 40% ग्राहक डीजल इंजन चुनते हैं, जो अब BS6 में ब्रेजा और एस्क्रॉस डीजल बंद होने के 50% से ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब इन 50% ग्राहकों को ऑटोमेटिक का कोई पर्याय ही ना देना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। यह बात समझकर किया सोनेट के डीजल इंजन के साथ भी अच्छा खासा हिल होल्ड की सुविधा देने वाला 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक देगा। दोस्तों, चौथा फीचर था IMT। किया एक और बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसने जटिल और महंगा 12 क्लच गियरबॉक्स विकसित करके 11 लाख के नीचे बजट वाले ग्राहकों को कोई ऑटोमेटिक पर्याय नहीं रखा है, जबकि नेक्सॉन जैसे प्रतिस्पर्धी 9 लाख की ऑन रोड कीमत में AMT दे रहे हैं। इसलिए किया अपनी सोनेट में IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देने वाला है, जो मैनुअल गियरबॉक्स और AMT गियरबॉक्स के बीच का पर्याय होता है, यानी कि एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इससे सेमी ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि गियर की टंडी हाथ से रगड़नी पड़ती है, लेकिन क्लच अपने आप दबता है। बॉश अपनी ऐसी सिस्टम को ECS बुलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लच सिस्टम। दोस्तों, क्लच से छुटकारा दिलाने के अलावा यह सिस्टम अपने आप रैब मैचिंग भी करता है, यानी कि निचला गियर लगने से पहले इंजन का RPM बढ़ता है, ताकि यात्रियों को कोई झटका ना लगे। दरअसल यह सुविधा हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि वह आसानी से विकसित करना मुमकिन है। AMT गियरबॉक्स वाली गाड़ियों में उसकी सख्त ज़रूरत भी है, लेकिन कार उत्पादक इस ज़रूरत को सालों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। इसकी वजह से किया को एक मौका मिल गया है, जिस पर उसने अच्छी से चौका मार दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाकी फीचर्स की। दोस्तों, अब तक इस वीडियो में हमने वो फीचर्स देखे जो ना इको स्पोर्ट्स में मौजूद हैं और ना ही सोनेट की जुड़वा बहन वेन्यू में, लेकिन सोनेट वेन्यू पे आधारित होने के कारण उसमें वेन्यू के कुछ ऐसे फीचर्स तो मिलने ही वाले हैं जो आज इको स्पोर्ट्स में उपलब्ध नहीं है, जैसे वायरलेस मोबाइल चार्जर, जो बिना किसी वायर के आपको मोबाइल फोन चार्ज कर सकता है। दोस्तों, लेकिन याद रखना, इसके लिए आपको एप्पल आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी फोन की जरूरत पड़ेगी, या फिर कम से कम नोकिया
6.1 की दोस्तों, वरना अधिकतर एंड्रॉयड फ़ोन में यह फीचर्स काम नहीं करता। फिलहाल वन प्लस भी नहीं दोस्तों। इसके अलावा सोनेट में आपको कॉर्नरिंग लैंप्स और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी जो टॉप एंड इको स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं मिलती हैं दोस्तों। दूसरी खूबी है टर्बो पेट्रोल। इको स्पोर्ट्स में पहले 1000 सीसी का इको बूस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन आता था, जिसको हुंडई किया ने कॉपी किया और सोनेट में डाल दिया है। लेकिन अब फोर्ड का सालों साल बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड खिताब जीतने वाला इको बूस्ट उन्होंने इको स्पोर्ट्स से हटा दिया है और उसकी जगह एक बिना टर्बो वाला 3 सिलेंडर इंजन लगा दिया है। नतीजा ये कि सोनेट में आज इको स्पोर्ट्स से 25 Nm ज़्यादा टॉर्क मिलता है और वो भी इको स्पोर्ट्स से 3000 RPM नीचे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, ये टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ ड्यूल क्लच गियरबॉक्स के साथ खरीदना है दोस्तों, मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से हम आपको इस वीडियो का सेकंड हाफ में बताएंगे। फिलहाल बस इतना सोचना कि हुंडई ने खुद अपनी नई क्रेटा में टर्बो पेट्रोल इंजन केवल ड्यूल क्लच के साथ क्यों दिया है दोस्तों। तीसरी खूबी है ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जब ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है तब समझो जैसे सोने पे सुहागा। फिर आपको इतना ही नहीं, सोनेट में यह टर्बो पेट्रोल और DCT वाला मॉडल 11 लाख रुपए ऑन रोड मिलता है, जबकि इको स्पोर्ट्स का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक मॉडल उससे 2 लाख रुपए महंगा है। इतना महंगा होकर भी इको स्पोर्ट्स का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ने सोनेट जितना स्मूथ है और ना ही उतनी तेजी से गियर बदल पाता है। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम इको स्पोर्ट्स की खूबियों में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों चौथी खूबी है इंटीरियर्स। इको स्पोर्ट्स को लॉन्च हुए 7 साल हो गए, माना कि फोर्ड ने समय के साथ उसमें नई इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक्स्ट्रा फीचर्स लगाए हैं, लेकिन सोनेट के सामने उसके इंटीरियर्स अब थोड़े से पुराने लगने लगे हैं। ऊपर से किया के इंटीरियर्स की बनावट, पतले से पैनल गैप्स और प्लास्टिक की गुणवत्ता फोर्ड से साफ साफ बेहतर है। दोस्तों पांचवी खूबी है माइलेज। सोनेट एक और पहलू में इको स्पोर्ट्स से 2 कदम आगे होगी, वह है उसका माइलेज। लगभग 100 किलो हल्का वजन, छोटे इंजन, एक एक्स्ट्रा गियर और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक्स की बदौलत सोनेट का माइलेज इको स्पोर्ट्स से लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर रहेगा। इको स्पोर्ट्स के पेट्रोल ऑटोमेटिक का ARAI माइलेज सिर्फ 14.7 किलोमीटर प्रति लीटर है और वो भी 6 स्पीड गियरबॉक्स होने के बावजूद। तुलना के लिए ब्रेजा ऑटोमेटिक देख लो, उसमें प्राचीन सा 4 स्पीड गियरबॉक्स होने के बावजूद माइलेज 4 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है, पूरे 4 किलोमीटर प्रति लीटर दोस्तों। लेकिन माइलेज के अलावा एक और पहलू में किया फोर्ड से कई गुना बेहतर है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। छठी खूबी है टिकाऊपन और सर्विस। दोस्तों पिछले 20 साल से फोर्ड इको स्पोर्ट्स के दिनों से उनकी गाड़ियों की घटिया टिकाऊपन आजमाते आ रहे हैं। इकोन भी अपने जेब कतरे मेंटेनेंस के लिए मशहूर थी, माना कि फीस्टा, फीगो और इको स्पोर्ट्स में हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन दूसरी ओर हुंडई सेंट्रो से लेकर वेन्यू तक 20 साल अपनी गाड़ियों को टिकाऊपन साबित किया है। लेकिन टिकाऊपन से भी ज़्यादा फर्क आपको महसूस होगा सर्विस में, क्योंकि कोरियन उत्पादक अपने डीलर्स पर ऐसा कड़ा नियंत्रण रखते हैं जबकि अमेरिकन उत्पादक उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। इस वजह से किया के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था बस 6 महीने में इतनी अच्छी हो गई जितना फोर्ड 20 साल से कोशिश करके भी नहीं कर पाया दोस्तों। इसका असर गाड़ियों की रिसेल वैल्यू पे भी होता है, जहां किया की गाड़ी आपको 5-7 साल बाद फोर्ड से 1 लाख रुपए बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। ऊपर से अगले साल इको स्पोर्ट्स का यह मॉडल बंद हो जाएगा तो रिसेल वैल्यू बुरी तरह से गिर जाएगी, और अगर GM की तरह फोर्ड भी 4-5 साल में मैदान छोड़कर भाग गया तो इको स्पोर्ट्स आपको 3-4 लाख का नुकसान करा सकती है दोस्तों, इतना याद रखना। तो दोस्तों अब देखते हैं इको स्पोर्ट्स में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो कि सोनेट में नहीं मिलने वाली हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। माना कि सोनेट में इको स्पोर्ट्स से 10-12 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इको स्पोर्ट्स में ऐसे 2-3 फीचर्स मौजूद हैं जो टॉप एंड सोनेट में नहीं मिलने वाले हैं। पहला है HID जिनोन हेडलैम्प्स दोस्तों। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की लेंस देखकर उनकी काबिलियत का अंदाजा कभी मत लगाना। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की लेंस के पीछे 3 अलग अलग प्रकार के बल्ब हो सकते हैं दोस्तों। पहला है हेलोजन प्रोजेक्टर, जिसकी चमक बिना प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प जितनी ही रहती है दोस्तों, सिर्फ छोटे आकार में बिठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की अधिकतर गाड़ियों में इसी प्रकार के प्रोजेक्टर मिलते हैं। दूसरा होता है LED प्रोजेक्टर, जिसकी चमक हेलोजन से थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन उसका असली फायदा होता है कम बिजली खींचना, जिससे छोटी बैटरी, छोटे अल्टरनेटर से काम हो जाए और ईंधन बचे। तीसरा होता है जिनोन HID, इसकी चमक बाकी दोनों से 4 गुना ज़्यादा होती है। यह इतनी ताकतवर रहते हैं कि हेडलैम्प्स पर कीचड़ उछल जाए तो ट्रैफिक को दिक्कत हो सकती है, इसलिए दोस्तों हेडलैम्प्स के साथ भारत सरकार ने हेडलैम्प वॉशर देने का अनिवार्य कर दिया है। तो जब भी आप हेडलैम्प वॉशर वाली गाड़ी देखते हो, याद रखना उसमें जिनोन HID हेडलैम्प्स लगे हुए हैं दोस्तों। लेकिन इको स्पोर्ट्स के हेडलैम्प 25 वाट से कम पावर खींचते हैं, इसलिए उन्हें हेडलैम्प्स
प्रकाशर देने से छुटकारा मिल गया है, मगर फिर भी उनकी रोशनी हेलोजन और एलईडी प्रोजेक्टर से कई गुना बेहतर है दोस्तों। दूसरा फीचर है पैडल शिफ्ट। ये एक ऐसा फीचर है जो इको स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक को चलाने में काफ़ी मज़ेदार बनाता है दोस्तों। दरअसल अब हुंडई ने अभी नई क्रेटा में यह फीचर डाला है, लेकिन किया ने अभी तक सेल्टोस में नहीं डाला है, इसलिए उससे सस्ती सोनेट में यह फीचर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल किया ने ड्वेल क्लच गियरबॉक्स पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद 2000 रुपये का गियर शिफ्ट पैडल ना देकर उसका आधा मजा किरकिरा कर दिया है। यह तो ऐसे हो गया दोस्तों, हाथ ही दे दिया लेकिन पूछ नहीं दी। पैडल शिफ्ट के अलावा इको स्पोर्ट्स में एक दो छोटे मोटे फीचर्स और भी मौजूद हैं जो सोनेट में नहीं मिलते हैं, जैसे कि रेन सेंसिंग वाइपर्स दोस्तों। दूसरी खूबी है पेट्रोल मैनुअल। सोनेट का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक मॉडल 11 लाख के नीचे मिलने वाला नहीं है और इको स्पोर्ट्स का 13 से नीचे। तो अगर आप बजट की वजह से पेट्रोल मैनुअल मॉडल खरीदने की सोच रहे हो तो गलती से भी दोस्तों सोनेट मत खरीदना, क्योंकि सोनेट के एसटी और एसटी के मॉडल्स में आपको हुंडई i10 का कमजोर था 1200cc बिना टर्बो वाला इंजन मिलता है, जो इको स्पोर्ट्स के इंजन से 40 HP कम पावर और 35 Nm कम टॉर्क देता है। इतने पैसे देने के बाद ऐसी कमजोर गाड़ी खरीदने पर अपनी अगले 5-7 साल जो है ड्राइविंग का वो पूरा सत्यानाश मत करना दोस्तों। और तो और सोनेट का टर्बो पेट्रोल मैनुअल भी किसी काम का नहीं है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा टर्बो लैग की समस्या मौजूद है। 2500 RPM के नीचे उसका इंजन बिल्कुल भी पिकअप नहीं देता है। अब एक बार सोचिए दोस्तों, आप दिनादिन इस्तेमाल में किस RPM पे गाड़ी चलाते हैं? अधिकतर चालक 1000 से 3000 RPM के बीच में अपनी गाड़ी चलाते हैं, मगर इस RPM रेंज में सोनेट टर्बो मैनुअल आपको बहुत ही कमजोर पिकअप देने वाली है। नतीजा ये कि शहरी ट्रैफिक में तो आपको बिना टर्बो वाली सोनेट से भी ज्यादा क्लच गियर रगड़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों तीसरी खूबी है टिकाऊ ऑटोमेटिक। सोनेट का ड्वेल क्लच मॉडल चलाने में बड़ा मज़ेदार है, लेकिन याद रखना दोस्तों, आज तक किसी भी उत्पादक का ड्वेल क्लच गियरबॉक्स टिकाऊ साबित नहीं हुआ है। हुंडई और किया इस मामले में नए हैं, जबकि फोर्ड और वॉक्सवैगन जैसे ड्वेल क्लच के गुणगान गाने वाले उत्पादक अपनी गाड़ियों से ड्वेल क्लच हटाकर पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर लगा रहे हैं। इको स्पोर्ट्स में भी कुछ साल पहले ड्वेल क्लच गियर आता था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पाए गए। अचरज की बात तो यह है कि पोलो TSI जैसी गाड़ी से भी इस वजह से वॉक्सवैगन ने ड्वेल क्लच हटाने का फैसला किया है। सेल्टोस ग्राहकों को भी अभी अपनी गाड़ियों के ड्वेल क्लच में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। अब यूट्यूब पे कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर्स 4 दिन फोकट में गाड़ी चलाकर उसके गुणगान गाने वाली वीडियोज बनाते हैं। अगर ग्राहकों को कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े यह सोचने की उनकी हैसियत नहीं होती। इसलिए याद रखना दोस्तों, अगले 6-8 महीने हुंडई किया के ड्वेल क्लच का टिकाऊपन कैसा साबित हो रहा है, ये टीम BHP जैसी साइटों पे जाके पढ़ते रहना दोस्तों, और तसल्ली होने के बाद ही सोनेट खरीदने का निर्णय लेना। दोस्तों चौथी खूबी है पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट। एक पहलू जिसके लिए फोर्ड की गाड़ियां पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं, वो है उनकी पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट का संतुलन। अगर यकीन नहीं आता तो एक ही दिन में इको स्पोर्ट्स और वेन्यू चलाकर देखिए, फिर आपको असली फर्क समझ में आएगा। दोस्तों वेन्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किया सेनोट की चेसिस, उसका सस्पेंशन, उसके टायर्स और उसके ब्रेक सभी वेन्यू से लिए गए हैं। जिस कुशलता से इको स्पोर्ट्स गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को सोख लेती है और उसके बावजूद मोड़ों पर कम से कम बॉडी रोल दर्शाती है, यानी कि बहुत ही कम दाएं बाएं डोलती है, वही वाकई में कमाल की चीज है दोस्तों। इसके विपरीत वेन्यू और सोनेट का सस्पेंशन काफी ज्यादा सख्त लगता है और उसके बावजूद मोड़ों पर उनकी चपलता और नियंत्रण इको स्पोर्ट्स के आसपास भी नहीं है। अगर आप गाड़ियों के सच्चे शौकीन और घुमावदार रास्तों पर अपनी गाड़ी भगाने में क्या मजा आता है यह समझते हो तो आप सोनेट को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे दोस्तों। दोस्तों आज फोर्ड मोटर्स कंपनी खास कार कंपेयरो दर्शकों के लिए नई BS6 इको स्पोर्ट्स पे 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इको स्पोर्ट्स खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों कुल मिलाकर आपके लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी यह पूरी तरह आपके बजट पर निर्भर है। अगर आपका बजट 13 लाख के ऊपर है तो फोर्ड इको स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक सोनेट से साफ साफ बेहतर पर्याय है, क्योंकि सोनेट के ड्वेल क्लच में बिगाड़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर बजट कम है तो सोनेट का IMT मॉडल आपके लिए सस्ते दाम में शहरी ट्रैफिक से सही इलाज साबित हो सकता है दोस्तों। अगर हाईवे रनिंग सिटी से ज़्यादा है तो डीजल पर्याय चुनना बेहतर निर्णय साबित होगा। इसमें सिर्फ सोनेट आपको ऑटोमेटिक
पर्याय देगी, इको स्पोर्ट्स नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवाय पेट्रोल ऑटोमेटिक के बाकी सारे पर्याय में सोनेट इको स्पोर्ट्स से साफ साफ बेहतर है और इसलिए हमारी इस तुलना की विजेता है। दोस्तों हमारे नए वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारे ये वीडियोज आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताजा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके सामने पेश है जिसका अवश्य लाभ उठाइए और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोज की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं। दोस्तों